कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। आरजे इंटर कॉलेज की 3000 छात्राएं इन दिनों असुरक्षा के माहौल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए मजबूर है। प्रधानाचार्य के पास लगभग रोजाना डरी व सहमी छात्राएं आकर छेड़छाड़ व शहदों द्वारा पीछा कर परेशान करने की शिकायत की जाती है। पास में ही राजकीय इंटर कॉलेज व सेंट थॉमस होने के कारण स्कूल की छुट्टी के दौरान यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है। रविशा एक असर मेडिकल हब बनने से पूरी हो गई है। इन शिकायतों को देखते हुए आरजे इंटर कॉलेज की छुट्टी थोड़ा पहले करने का निर्णय लिया गया, लेकिन समस्या जस के तस है। राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र भी खिड़कियों पर पत्थर मारते रहते हैं। इस बारे में आज आरजे इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर नदनी रानी शंखदार ने मीडिया को यह जानकारी दी। देखिए ऐसा है कि हमारी कॉलेज की जो लोकेशन है ये एक बालिका विद्यालय बीच में है। इसके एक जो है राइट साइड GIC है जहाँ 850 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो भी क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्कूल है। और इसके लेफ्ट साइड सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम है, वो कोएड स्कूल है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि हमारे यहाँ लगभग 3000 छात्राएं हैं। जब 3000 छात्राएं बाहर निकलती हैं तो रोड पे जाम लग जाता है। जाम लगने का एक कारण ये भी है कि हमारा जो कॉलेज सिचुएटेड है वो पूरा डॉक्टर्स का हब है यहाँ का, और सामने ही नर्सिंग होम है। तो नर्सिंग होम की गाड़ियाँ, पेशेंट्स की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, ये सब खड़ी होती हैं, तो रोड ऑलरेडी कंजस्टेड हो जाती है। और जब 3000 छात्राएं एक साथ निकलती हैं तो रोड जाम हो जाती है। अब दोनों साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं इधर से ही निकलें, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जाम में, देखिए आप समझ सकते हैं, दिक्कत हो जाती है बच्चियों को। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो लाल बुक डिपो है यहाँ पर GIC के बच्चे भी आते हैं, जबकि हमने केवल बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये चेंज किया कि हम 20-25 मिनट पहले अपना कॉलेज पहले खोलें और पहले बंद करें, जिससे हमारा एक रश जो है निकल जाए। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाइए, हार्डली 10 मिनट का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आवागमन होता है, पीक होता है, बाकी स्कैटर्ड होता है। तो इसलिए हमने अपना टाइम भी बदल रखा है। हमारा 7:20 पर कॉलेज शुरू होता है और GIC 7:50 पर शुरू होता है, तो यानी 30 मिनट का डिफरेंस है। हमारी छुट्टी 12:30 बजे होती है, उनकी छुट्टी जो है 12:50 पे होती है। लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कत है हमें। वो क्या है कि लाल बुक डिपो पर हमारी लड़कियां भी बस का इंतज़ार करती हैं। हमारे यहाँ जो है इकोनॉमिकली बच्चे वीकर सेक्शन से हैं, तो बच्चे ऑटो का भी खर्चा वहन नहीं कर पाते, वो सोचते हैं हम सिटी बस में जाएं। तो सिटी बस में बच्चियां चढ़ती हैं, बच्ची चढ़ती हैं तो लड़के भी बहुत सारे चढ़ते हैं उसके साथ, तो बच्चियां बेचारी पैनिक कंडीशन में आ जाती हैं। कई बार तो बच्चियां आके मुझे खुद कहती हैं, हमारे यहाँ भी पुलिस की कार्यशाला भी हुई, तो मैंने ही मुद्दा नहीं उठाया बल्कि बच्चियों ने खुद मुद्दा उठाया और SSP साहब से कहा कि हमको ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने SSP साहब से कहा कि सर ऐसा कुछ हो जाए, जो स्कूल का टाइम है उसमें 2 सिटी बस आप लगवा दें, एक बेगमपुल की तरफ जाने वाली और एक जो है मेडिकल जाने वाली, तो हमारी बच्चियां तुरंत जाके बस में बैठ जाएंगी। वो तो मुश्किल से 5-7 मिनट में पहुंच जाती हैं, हार्डली 10 मिनट में बच्चे पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, आप इसके लिए विधायक जी से बात करिए या नगर निगम इसको देखे। तो अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैं 1-2 दिन में विधायक जी के पास जाऊंगी, अमित अग्रवाल जी के पास, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी छात्रा हित में आप केवल उस टाइम पीरियड के लिए हमें खाली बस दे दें, केवल 5 मिनट के लिए, हमारे बच्चे सुरक्षित लगभग काफ़ी चले जाएंगे। छुट्टियों के समय देखिए, पहले जो है कुछ समय पहले हमारे यहाँ फोर्स रहती थी, यहाँ पर 2 पुलिस महिला कर्मचारी या 2 पुरुष कर्मचारी यहाँ रहती थी, या कॉलेज के बाहर रहें या इस पर रहें, आपके शिव चौक पर रहें, बस नियर अबाउट वहीं रहते थे, तो वो लोग खुद मैनेज करते थे इस चीज़ को। लेकिन अब काफ़ी समय से यहाँ फोर्स नहीं है हमारे पास यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कि स्कूल के बाहर हैं तो स्कूल टाइम में हमारी टीचर भी बाहर से आ रही है और स्कूल टाइम में हमारा टीचर भी बाहर जा रहा है, तो यहाँ स्कूल के बाहर इतनी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट नहीं होगी, वहाँ खुद भी मैनेज कर लेते हैं, बाहर निकल के भी मैनेज करते हैं।
कोई भी घटना हुई, कोई भी बच्ची ने बताया, तुरंत हम दौड़ के जाते हैं, हमारे कर्मचारी दौड़ के जाते हैं। लेकिन लाल बुक डिपो जो यहाँ से काफी दूर पड़ता है, वहां पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कल का मैं आपको वाकया बताऊं, कल शाम को जब मैं इधर से निकली, मैं पैदल गई, मुझे किसी कारणवश पैदल जाना था, मैं पैदल गई और उस समय 12:55 का समय होगा, 12:30 बजे मेरी छुट्टी हो गई, 12:55 का समय होगा, तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तब उन्होंने जो नज़ारा देखा तो उन्होंने कहा, भाई तुम जो कहती हो कि हमारे बच्चे यहाँ परेशान होते हैं, वाकई सही है। तो मैंने तो कल सीओ साहब से कहा कि साहब आप खुद देखिए आप सिविल ड्रेस में आकर कि वहाँ क्या दिक्कत है बच्चियों को, आप खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पुलिसकर्मी होंगे तो ना तो वो लड़के झुंड बना के इकट्ठे होंगे, ना जिस बस में लड़कियां चढ़ेंगी पीछे से चढ़ेंगी जबरदस्ती उस बस में, तो ये सब रेगुलेट हो जाएगा, बच्चियां अच्छा महसूस करेंगी। अब देखिए अगर मानसिक शांति होती है तो रिजल्ट कुछ और अच्छा होता है। अब बच्चियां तनाव में आएंगी तो बच्चियां परेशान होती हैं, रोती हैं या टीचर से शिकायत करती हैं, तो फिर उससे तो निजात मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।